अस्सलामुअलैकुम गाइस, गाइस आप खैरियत से होंगे, खैरियत से होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस हमारे पास न्यू स्टॉक आ चुका है, जिसमें से आज हम एक छोटे सिस्टम को गेमिंग तैयार करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले तो आपको दिखा दें कि हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक मौजूद है और कस्टमर के लिए अच्छी से अच्छी प्राइस हम कितनी दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी शॉप पर का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको ज़रूर हम इंशाल्लाह रायत सिस्टमों में देंगे ताकि आप हमारे अच्छे कस्टमर बन सकें। आइए आपको दिखाते हैं हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हैं। लो जी गाइज, हमारे पास ये सारे सिस्टम अवेलेबल हैं जिस कस्टमर को चाहिए, ये क्वांटिटी में मौजूद है। इसमें आपको कोर i5 फर्स्ट जनरेशन से लेकर इंशाल्लाह आपको 8 जनरेशन तक सिस्टम मिल जाएगा, क्वांटिटी में मिल जाएगा इंशाल्लाह। जब आएंगे आपको ज़रूर मिलेगा। और इसमें हमारे पास LCDs भी हर तरह की मौजूद हैं, आपको IPS चाहिए, बॉर्डरलेस चाहिए, 1K 2K, इंशाल्लाह आपको सारी LCD मेरे पास मौजूद हैं। उसके अलावा मेरे पास आपको ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाएंगे, यूज्ड में मिल जाएंगे ग्राफिक कार्ड। मैं सिर्फ यूज्ड में करता हूँ, न्यू में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम न्यू में भी जलते जाए। गाइस आज हम करते हैं इसको तैयार गेमिंग के लिए। ये एक मिनी पीसी है, इसका जो मॉडल है A10 है। इसमें हम DDR4 लगाएंगे, रैम 16 GB का मॉड्यूल है, ये DDR4 में है। और इसके बाद हम लगाएंगे 128 की SSD गेमिंग में। फिर आएगा ये 3 TB की हार्ड ड्राइव, ये फुल हमने गेमों से भर ली है। इसमें हमने फोर्जा रीजन 5, GTA 5, टेकन 7, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड सारी गेम्स भर ली हैं। और इसके बाद ये एक छोटा सा ग्राफिक कार्ड आ जाता है, लेकिन इस ये कार्ड जो है 4 GB का कार्ड है, DDR5 है और 128 bit का कार्ड है। चले आए गाइज, हम इस पर इसको बिल्ड करते हैं और विंडो करते हैं, फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं कि ये मशीन कैसी। तो गाइज सिस्टम को हमने कर दिया है रेडी। इसमें हमने लगाई है 16 GB रैम, 128 SSD, 2 TB की हार्ड और 4 GB का ग्राफिक कार्ड, मिनी ग्राफिक कार्ड। ये हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा था लेकिन मिल गया। अब हम आपको इसकी दिखाते हैं स्पेक्स के, हमने इसको क्या रेडी किया है। ये देखेंगे AMD के अंदर प्रोसेसर है, ठीक है, 8750 प्रोसेसर है गाइस। इसमें हमने 16 GB रैम लगाई है और इसमें क्वाड्रो के 1200 का ग्राफिक कार्ड है। इसमें ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR5 में है, DirectX 12 है और 128 bit का ग्राफिक कार्ड है। गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं इस पर गेम का रिव्यू के, इस पर आपको गेम किस तरह की चलती है। आपको एक एक गेम करके 2-3 गेम आपको चला के इंशाल्लाह दिखाएंगे कि ये देखें इसके अंदर गेम का रिव्यू भी देखें आपको कि इसके अंदर गेम जो है कैसी चलती है। गाइस ये गेम चेक करें, बेहतरीन गेम चल रही है इसमें। गाइस अब हम आपको इस पे चला के दिखाते हैं GTA 5 गेमों का रिव्यू दिया, अब आपको दिखाते हैं GTA 5 का रिव्यू। आइए दिखाते हैं आपको GTA 5 का रिव्यू। आ जाए गाइज, आपको ये GTA 5 का रिव्यू हमें कैसा लगा। गाइज आप हम आपको रिव्यू देते हैं इधर टेकन 7 का, कि टेकन 7 का क्या रिव्यू है, क्या कैसा रिजल्ट दे रही है, ठीक है। गाइज बहुत ही आउट क्लास ये गेम चल रही है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये गेम चली। ले तो गाइस हमने इस सिस्टम का रिव्यू आपको कंप्लीट बताया कि ये पीसी में हमने 128 SSD लगाई और 16 GB रैम लगाई, हमने इसमें 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगाया और इसमें हमने तरह तरह की गेम्स चलाई, जिस तरह के GTA 5, टेकन 7, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये गेम्स हमने आपको रन करके दिखाई। आपने हमें
कमेंट करके ज़रूर बताना है। गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपने हमें ज़रूर बताना है। और हमारे पास आपको हर तरह के पीसी मिल जाएंगे, आपको कोर i5 फर्स्ट जनरेशन से लेकर 6, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन तक के सिस्टम मिल जाएंगे। और लैपटॉप की भी हमारे पास जो है वैराइटीज़ मौजूद है, आपने आपको जौन सा भी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।